हाय फ्रेंड, दिस इज़ पूजा सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं स्टडी विद पूजा। और मेरे पास ये न्यूज़पेपर है जिसके थ्रू मैं आपको जो एनवायरनमेंट रिलेटेड एक टॉपिक है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये न्यूज़ पढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एट 177/180 इंडिया फॉल्स टू बॉटम 4 इन ग्रीन रैंकिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रीन रैंकिंग क्या होती है। ग्रीन रैंकिंग तो आप देख सकते हैं जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 to 50 है तो उसका लेवल गुड माना जाता है और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन है। अगर बहुत बैड, अगर बैड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसको मरून से शो किया जाता है। तो ये पॉल्यूशन जो स्प्रेड करता है, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज़ अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। किसी भी एयर, लैंड और वाटर में जो भी फिजिकल अनडिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप ये न्यूज़ में देख सकते हैं कि इंडिया जो पहले 141 रैंक पे था अभी 177 रैंक पे हो गया है और स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप करता है। इसका मतलब कि स्विट्ज़रलैंड में जो पॉल्यूशन है वो अंडर कंट्रोल है और वहाँ पे कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लोग किस पैरामीटर्स पे ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर करते हैं, लाइक वहाँ का हाउस होल्ड फ्यूल कितना है, PM2.5 एक्सपोजर कैसा है। PM2.5 इज़ बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल, लाइक CPCB के अकॉर्डिंग जो PM2 आर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। अगर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वहाँ पे है। फिर एयर क्वालिटी के बाद वो देखते हैं वाटर एंड सैनिटेशन क्या है, वाटर प्योरिटी कितनी है वहाँ पे, हैवी मेटल्स या लेड का एक्सपोजर कितना है, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, देन फॉरेस्ट, फिशरीज, क्लाइमेट एंड एनर्जी, वहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ब्लैक कार्बन एमिशन कितना है, एयर पोल्यूशन जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन कितना है, वाटर रिसोर्सेज का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस किस टाइप की है। तो अगर हम जो एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन इज़ अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। तो हम इसे वेज क्या क्या हैं कि जो एयर पॉल्यूशन को, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिपेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कोरोना रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जब अटैच होते हैं डस्ट पार्टिकल के साथ तो वो क्या देते हैं, नेट नेगेटिव चार्ज, जिसके थ्रू हमारा जो एयर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूट होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर स्क्रबर जो रिमूव गैस, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड है तो उस गैस को रिमूव करने के लिए एक स्क्रबर यूज होता है। देन अगर हम सिटीज़ में देखें, मेजर सिटीज़ में जो मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का वो ऑटोमोबाइल्स हैं, जिसमें हम अगर यूज़ करें कैटलिस्टिक कन्वर्टर का तो उस कैटलिस्टिक कन्वर्टर से हम काफ़ी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो LPG योजना है, जो नरेंद्र मोदी की उज्ज्वल योजना है LPG ऑन दिस फ्रंट, इंडिया उज्ज्वल योजना मेंट फॉर LPG कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL के लिए जो उज्ज्वल योजना है वो भी दी गई है इसी कॉन्टेक्स्ट में। जो बायनियम रिपोर्ट है ब्रॉट बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलाब्रेशन विद WEF। तो आप, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सबसे जो टॉप पे है वो स्विट्ज़रलैंड है और सबसे डाउन में है जो नेपाल है, उसके ऊपर 177 इंडिया है जो बहुत लो रैंक पे आ गया है ग्रीन रैंकिंग में। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह न्यूज़पेपर के थ्रू मैं कुछ टॉपिक लाऊं तो आई एम श्योर कि आप कमेंट करेंगे। तो थैंक यू।